ये तीन गलतियां बन सकती हैं आपके पति की मृत्यु का कारण। दोस्तों, एक औरत अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए न जाने कितने ही जतन करती है, चाहे फिर इसके लिए उसे कोई व्रत रखना हो या फिर पूजा पाठ करना हो, वो हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ अपने पति के प्राणों की रक्षा नहीं कर पाती। हालांकि मृत्यु पर किसी का वश तो नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी वजह? गरुण पुराण में बताई आपकी वो तीन गलतियां हैं जिन्हें जाने अनजाने में आप आज भी कर रहे हैं। गरुण पुराण में पत्नी से पहले पति की मृत्यु का जो पहला रहस्य है, उसके अनुसार जब भी कोई विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का या फिर वट सावित्री का व्रत रखती है या फिर कोई भी ऐसा व्रत रखती है जिसका उद्देश्य केवल पति की दीर्घायु ही हो, तो उसे वह व्रत पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री अपने व्रत के नियमों का अनुपालन न करके नियमों का उल्लंघन करती है, या फिर यूं कहें जो स्त्री व्रत के दौरान चोरी चुपके भोजन या पानी ग्रहण करती है और साथ ही ऐसा करने के पश्चात अपने किए गए उल्लंघन को बड़े ही आसानी से छुपा भी लेती है, तो ऐसी स्त्री के पति की आयु घटना निश्चित ही नहीं बल्कि भविष्य में उसके पति की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये तक बताया गया है कि व्रत के दौरान यदि कोई स्त्री भोजन के ख्याल को भी अपने मन में लाती है तो उसके आने वाले कई जन्मों तक पति के सुख से उसे वंचित रहना पड़ सकता है। और अब बात करते हैं स्त्री द्वारा की जाने वाली दूसरी गलती के बारे में। बताया गया है जो स्त्री बात बात पर अपने पति की झूठी कसम खाती है, हर बात पर झूठ बोलती है, बिना बात के झगड़ा करती है और पति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, तो इसे घोर पाप की श्रेणी में रखा गया है जिसका अंजाम उनके पति की आयु पूर्ण होने से पहले ही मृत्यु होती है। गरुड़ पुराण ये स्पष्ट करता है यदि कोई स्त्री अपने पति के लिए पूर्ण निष्ठा से व्रत कर भी रही है किंतु वहीं दूसरी ओर अपने पति के साथ अपशब्दों और झूठ का इस्तेमाल भी करती है तो उसके द्वारा किए गए उस व्रत का फल निष्क्रिय हो जाता है और उस स्त्री को हमेशा के लिए पति के सुख से वंचित रहना पड़ता है। अब हम आपको गरुड़ पुराण में वर्णित स्त्री द्वारा की जाने वाली तीसरी ऐसी गलती के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप निश्चित रूप से चौंक जाएंगे। जी हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई स्त्री मांस का सेवन करती है तो उसके पति के ऊपर नियमित रूप से कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। इतना ही नहीं बल्कि ये छोटी सी गलती उसके पति की युवावस्था में मौत का कारण भी बन सकती है। तो ये थे वो तीन कारण जिन्हें करने के बाद किसी भी पत्नी को युवावस्था में ही अपने पति को खोना पड़ सकता है। किंतु आपको बता दें, इन सब के अलावा भी कुछ ऐसे कृत्य हैं जिनको करने मात्र से एक स्त्री के पति की आयु प्रभावित हो सकती है। जैसे कि एक स्त्री का बृहस्पति के दिन बाल धोना भी उसके पति और पुत्र दोनों के लिए संकट खड़ा कर सकता है। सुनने में ये कोई पाप नहीं लगता, किंतु ये छोटा सा कृत्य ही उसके पति की मौत का कारण बन सकता है। साथ ही जो स्त्री अपने सुहाग की निशानियों के महत्व को ना समझे, यहाँ तक कि सुहाग की उन निशानियों को पहने भी नहीं, तो आपको बता दें उनका ऐसा करना उनके पति की जान भी ले सकता है। साफ शब्दों में कहें तो जो स्त्री मंगलसूत्र ना पहनती हो, जिसकी मांग सूनी रहती हो, जिसके हाथ में ना तो चूड़ियां हो और ना ही पैरों में पायल, तो ऐसी स्त्री अपने पति के प्राणों को दाव पर लगा रही है और उसका ये कृत्य पति की उम्र घटाने के साथ साथ आयु पूरी होने से पहले ही उसकी मृत्यु का भी कारण बन सकता है। यही नहीं, पति से पहले भोजन करने वाली, रात में देर से सोने वाली और सुबह देर से उठने वाली स्त्री के साथ साथ जो स्त्री पूरे हफ्ते में एक दिन के लिए भी व्रत नहीं रखती हो, वो स्त्री जल्द ही पति सुख से वंचित हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई स्त्री पति के होते हुए भी किसी दूसरे पुरुष पर नजर डाल रही है या नाजायज संबंध स्थापित कर रही है तो ये भी उसके पति की युवावस्था में मौत का कारण हो सकता है। अगर आप भी जाने अनजाने में ऐसी कोई गलती कर चुके हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।